मेहमान भले ही कम थे, अमेरिका जैसे देश के लिहाज से समारोह का रुआब भी कम ही था, लेकिन 78 साल के बाइडेन की ऊर्जा और सादगी के आगे सारी कमी सारी कसर दूर हो गई। कोरोना की दहशत और ट्रंप समर्थकों के उपद्रव की परछाई में बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। That I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. सादगी पूर्ण समारोह में बाइडेन की खुश मिजाजी और गर्म जोशी की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उनका पहला संदेश सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम था। ये बात अनुभवी बाइडेन भी समझ रहे थे, लिहाजा उनका पहला वादा यही रहा कि 6 जनवरी की घटना को अमेरिका की राह का रोड़ा नहीं बनने देंगे। That democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. Please raise your right hand and repeat. बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो ये पद संभालने वाली न सिर्फ पहली महिला हैं, बल्कि एशियाई मूल की भी पहली शख्स हैं। सब जानते हैं कि उनका ननिहाल भारत के तमिलनाडु में है, इसीलिए जब अमेरिका में वो शपथ ले रही थी तो तमिलनाडु के तुलासेंद्रपुरम गांव के लोग टीवी पर टकटकी लगाए गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई परंपराएं टूटी। मसलन निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप समारोह से दूर रहे, व्हाइट हाउस से भी पहले ही निकल गए, लेकिन ओबामा, बुश और क्लिंटन जैसे पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को बधाई देने जरूर पहुंचे। सीमित मेहमानों और छोटे कार्यक्रम के बावजूद अमेरिका स्टार लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने अपनी पेशकश के जरिए बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। अमेरिका में नए दौर का इस्तकबाल भारत ने भी किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए जो बाइडेन को बधाई। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए बधाई। ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए कमला हैरिस से चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। भारत अमेरिका के मजबूत संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये बात अमेरिका में बढ़ते भारतीयों के महत्व का सबूत तो है ही, दोनों देशों के संबंधों के भविष्य के लिहाज से भी ये बेहद अहम है।